अखिलेश यादव के इन्वेस्टर्स समिट पर दिए गए बयान पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने प्रचार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में सपा के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते थे, आज योगी सरकार के राज में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो गई है। तो ये बड़ा प्रचार यहाँ पर किया गया है सपा पर। हमारे साथ समाज कल्याण विभाग के जो अगर हम कहें मंत्री हैं असीम अरुण भूर IPS, वो आज जो समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति विभाग की तरफ से जो एक समिट का आयोजन किया गया लखनऊ में, उसमें शामिल होने के लिए आए। सर, ये हमने एक अलग कॉन्सेप्ट देखा है पहली बार, अलग अलग विभाग, उनके जो इन्वेस्टर हैं, अनुसूचित जाति आपका जो वित्त निगम है वो भी आज इन्वेस्टर्स को बुलाया हुआ है, उसने वो भी समिट कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, योगी जी ने इस बात को समझा और जहाँ पे हेवी इंडस्ट्रीज़, बड़ी इंडस्ट्रीज़ वो तो आ ही रही हैं, लेकिन एक छोटी सी इंडस्ट्री अगर 5,000 रुपये के योगदान के साथ एक जनजाति क्षेत्र में वन उपज को एकत्रित करने का कोई काम कर रहा है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उससे भी कुछ परिवार अपना आगे बढ़ेंगे, आर्थिक विकास में योगदान करेंगे। इस भाव के साथ में आज समाज कल्याण विभाग द्वारा इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नारा भी है, हमारी कथनी भी है और हमारी करनी भी है। तो आज हमें आशा है कि ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो या तो स्वयं SC या ST वर्ग से आते हैं या इसके कल्याण के लिए काम करते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, दलित इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट MSME सभी लोग मिल करके आज इस सुंदर आयोजन को कर रहे हैं और हमें आशा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स या तो नया इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो पुराना काम करते थे उसको अपग्रेड करेंगे। सरकार की कोशिश है कि $1 trillion इकॉनमी UP को बनाया जाए, इसीलिए इतना बड़ा 10 लाख करोड़ का था, 17 लाख का निवेश कह रहे हैं कि आएगा इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए, लेकिन विपक्ष को क्यों निशाना साध रहा है? वो ये कह रहा है कि चुनाव है इसलिए केवल जनता को गुमराह करने के लिए। अखिलेश यादव तेलंगाना गए तो वहाँ भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया। अखिलेश यादव जी ने 5 साल में जो कार्य किया, अगर वो कानून व्यवस्था पे ध्यान देते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देते, गुंडागर्दी जो समाजवादी पार्टी के लोग करते थे उसको ना होने देते तो शायद अच्छा विकास वो कर सकते थे। ये मौका उन्होंने खो दिया। योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की पूरी सरकार ने इस बात को समझा। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, हमारी संस्कृति है, वो आदर्शवाद में आधारित है, अपराध के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस वाली है और उसके सुखद परिणाम हम लोग को दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं, सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था बेहतर हुई या नहीं, इसके लिए आज किसी को आंकड़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब लोग इसको अनुभव कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी आलोचना कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ अच्छी बात होगी तो हम उसको भी ग्रहण कर लेंगे। कैमरा से जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।